दो नाबालिग बहनें काफी लंबे समय तक अपने पिता की हवस का शिकार होती रही। जब इन दोनों के बाद पिता की नजरें अपनी तीसरी बेटी पर टिक गई, तो उसे बचाने के लिए दोनों ने हिम्मत दिखाकर अपना मुंह खोला और चाइल्ड लाइन के माध्यम से मदद मांगकर पुलिस तक अपनी बात पहुंचाई। दिल झकझोर कर रख देने वाला यह मामला सामने आया है मंडी जिला के धर्मपुर थाना क्षेत्र के तहत। क्षेत्र के एक सरकारी विभाग में कार्यरत कर्मचारी अपनी तीन बेटियों और एक बेटे के साथ रहता है। पत्नी के साथ कुछ समय से पारिवारिक विवाद चल रहा है, जिस कारण पत्नी अलग रहती है। चाइल्ड लाइन के माध्यम से पुलिस को दी शिकायत में दो बेटियों ने बताया कि उनके पिता ने कई बार उनके साथ दुराचार किया, खर्च न देने के नाम पर डराया और धमकाया। समाज में बेइज्जती के कारण वे चुप रही, लेकिन जो उनके साथ हुआ वैसा उनकी तीसरी बहन के साथ ना हो, इसलिए उन्होंने अपने दुराचारी पिता की शिकायत देना बेहतर समझा। एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने मामले की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि आरोपी पिता के खिलाफ आईपीसी की धारा 375, 506 और पॉस्को एक्ट की धारा 4 के तहत मामला दर्ज करके गिरफ्तार कर दिया गया है। बच्चियों के मेडिकल करवाए जा रहे हैं और मामले की पूरी गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है। कल जो है रात को एक कंप्लेंट हमें चाइल्ड लाइन के अफसरों द्वारा हमारे ध्यान में लाई गई थी, जिसमें एक नाबालिग लड़की ने अपने पिता के खिलाफ सेक्सुअल अब्यूज़ का चार्ज जो है वो लगाया था। उसमें जो है मामला पुलिस स्टेशन धर्मपुर में दर्ज किया गया है। इसमें आईपीसी की 376 और 506 और पॉक्सो एक्ट की धारा चार जो है उसके तहत मामला पुलिस स्टेशन धर्मपुर में दर्ज किया गया है। आरोपी जो है उनको पुलिस द्वारा डिटेन किया गया है और अभी उनसे पूछताछ की जाएगी और उनको जल्दी अरेस्ट किया जाएगा। साथ ही जो विक्टिम इस केस में है उससे भी पुलिस जो है उसके बयान और मेडिकल रिकॉर्ड्स और 164 की जो स्टेटमेंट है उसकी कार्रवाई जो है अमल में लाई जा रही है। इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है डीएसपी सरकाघाट के द्वारा उनकी सुपरविजन में एसएचओ पुलिस स्टेशन धर्मपुर और उनकी टीम जो आगे कर रहे हैं। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।